गाइस एग्जांपल नंबर टू और क्वेश्चन जो बेस्ड है वो है मिरर फॉर्मूले के ऊपर। पहला वाला समझा चुका हूँ, पहले वाले एग्जांपल के अंदर मैंने इसके फॉर्मूले भी बताए हैं आपको, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, साइन कन्वेंशन कैसे लेना। तो ध्यान से पहले वाले फॉर्मूला जितने फॉर्मूले हैं वो और साथ में जो पहला एग्जाम्पल है उसको जरूर कर लें क्योंकि बहुत फायदा पहुँचाएगा आपको। चलिए इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आपसे कह रहा है इफ़ यू सीट इन अ पार्क कार, एक कार है आपकी और आप रुकी हुई कार में बैठे हुए हैं। आपसे कह रहा यू ग्लांस इन द रियर व्यू, और आप जो है रियर व्यू जो पीछे को देखने वाला शीशा होता है उसमें आप देख रहे हैं कार के। तो आप देख रहे हैं कि एक आदमी है जॉगर जो अप्रोच कर रहा है, जो आपकी तरफ को आ रहा है भागता हुआ। तो आप जो है शीशे के अंदर देख रहे हैं कि अच्छा यह हमारी तरफ को आ रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर जॉगर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है, तो आपसे ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग, इमेज जो है उसकी कितनी तेज मूव कर रही होगी। अब इमेज जो बन रही होगी वो कहाँ बन रही होगी ये आपको बताओ। जो आपको पता है कि रियर व्यू देखने के लिए जो मिरर का इस्तेमाल करते हो वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको आप साइड मिरर की तरह इस्तेमाल करते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसके खुद के अंदर बनती है, इट मींस उसके पीछे आप कह सकते हैं कि उसके पीछे, तो वो जो इमेज बनती है सारी की सारी वर्चुअल इमेज बनती है, ये वाली बात तो आपको पता। तो आपसे ये कह रहा है कि इमेज की स्पीड बताओ, तो आपको क्या करना होगा जरा आप पता लगाओ कि आपको क्या करना पड़ेगा। इमेज की स्पीड तो तब बता पाओगे जब आप इमेज की जो पोजीशंस है वो चेंज होती हुई बता दो कि इमेज की जो पोजीशन है वो ऐसे ऐसे बदल रही है। अगर आपने वो बता दिया तो आप स्पीड बता दोगे, क्योंकि स्पीड जो होती है वो चेंज इन पोजीशन को ही कहते हैं, चेंज इन पोजीशन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम आप एक सेकंड में चेंज इन पोजीशन देख लो आपके पास आ जाएगी स्पीड। तो आप यही करोगे, आप क्या करोगे पहले देखोगे कि उसकी शुरुआत में जहाँ वो था वहाँ पर उसकी जो इमेज थी वो कितनी दूरी पर बन रही थी। अब चूंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे को आ रहा है तो एक सेकंड के बाद ये देखेंगे कि अब उसकी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, जिसकी वजह से इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ बनेगी। जब आपने ये बता दिया कि इमेज की पोजीशन यहाँ बनेगी, तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज इन पर सेकंड वही आपकी स्पीड बन जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पर एक बड़ा बड़ा सा सोल्यूशन। आपको क्या करना होगा यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। आपसे कह रहा है इफ यू सिट इन अ पार्क कार, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, क्या दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर आपको 2 दे रखा है जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो होगी वो आपको था रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 दे रखी है जिसकी वजह से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और आपको बताया फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब ये है, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब ये है कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे भी समझ सकते हो कॉन्वेक्स मिरर है, आर भी पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास एफ कितना हो जाएगा 1 मीटर। आप कहोगे सिंस रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं आर ऑलवेज कॉन्वेक्स, हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं, याद रखना नाम को भी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आपको शुरुआत में उसने क्या कहा, उसने कहा कि शुरुआत में जॉगर जो है वो 39 मीटर के डिस्टेंस पर है, और आपको पता है 39 मीटर मतलब क्या है, 39 मीटर किधर से होगा जरा ये बनाएं। आपने लो बना दिया, अब बना दिया आपने, ये है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। लेट अस सपोज कि जॉगर जो है वो ये है और इधर को अप्रोच कर रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये यू कहलाती है, यू कितना है 39 मीटर, लेकिन चूंकि इधर को है तो ये डिस्टेंस माइनस में मेजर की जाती है, तो आपके पास यू है, आपके पास क्या है यू, यू कितना है माइनस के 39 मीटर। जब आपके पास यू है तो आप पहले निकालेंगे वी, तो पहली इमेज को आप कह दोगे वी वन, तो इसको आप यू वन कह दो और कह दो कि वी वन कितना होगा। तो पहले आप निकालो वी वन, वी वन कैसे निकालोगे आपको पता है, वी जो होता है देखो इस फॉर्मूले को जो आप लगाते हो ना 1/f + 1/ है ना 1/f = 1/v + 1/u, इसको आप इन टर्म्स ऑफ जब आपको v निकालना हुआ करेगा तो आप इसको uf/u - f कह सकते हैं, uf/u - f। तो आपको पता है v = होता है uf/u - f, चाहे आप सिंप्लीफाई करके देख लो। अब u कितना दे रखा है आपको माइनस के 39, f कितना आपके पास 1, U कितना माइनस के 39 और F कितना माइनस का 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बताओ, माइनस के 39 अपॉन माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कटा 39 / 40 मीटर। लो भाई
जब वो बंदा आ रहा था, जब आपने देखा उस वक्त उसकी जो पोजीशन थी वो थी 39 मीटर, तो जो इमेज बनी है वो 39/40 मीटर पर बनी है, ठीक है। तो पहली पोजीशन आ गई इमेज की। अब आप ये देखेंगे कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो कर रहा है 5 मीटर/सेकंड की रफ्तार से मूव। तो इसका मतलब एक सेकंड के बाद जो जोगर है, एक सेकंड के बाद लेट अस सपोज कि वो यहाँ पहुँच गया, वो तो इधर को आ रहा है, इधर को आ गया, तो अब आप ये देखेंगे कि यार एक सेकंड के बाद इसका यू कितना हो गया, तो इसको यू टू कह देंगे। तो यू टू कितना हो गया जरा, एक सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद। अब एक सेकंड के बाद चूंकि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितनी 5 मीटर/सेकंड, हर एक सेकंड में 5 मीटर चलेगा, तो इसका मतलब एक सेकंड में वो इतनी आगे आ गया। तो देखो एक सेकंड में उसके पास फिर यू कितना हो जाएगा, पहले 39 था, इसमें से 5 माइनस कर दो, जब 39 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताएं, 39 है यार, इसमें से 5 माइनस कर दो 34 रह जाएगा, तो आपके पास यू जो है वो 34 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास, आपके पास कहोगे कि यू टू जो है एज जोगर इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकंड, तो आप कहोगे इसके बाद पोजीशन ऑफ जोगर आफ्टर 1 सेकंड, एक सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, तो वो हो जाएगा यू टू। आपको पता है शुरुआत में 39 था, 5 मीटर/सेकंड चल रहा, तो एक सेकंड में 5 मीटर चलेगा, तो वैल्यू आ जाएगी -34 मीटर, सही है। तब इस हिसाब से आप देखोगे कि पोजीशन पर कितना फर्क पड़ा, तो आप निकालोगे वी टू। सिंस वी नो दैट, आपने वी टू का एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब बताओ यू कितना रहा इसके लिए, अब तो ये यू टू का काम करेगा, तो आप कहोगे यू टू है ये, ठीक है। तो यू टू कितना हो गया आपके पास, -34, और एफ कितना था आपके पास, 1, तो -34 -1, आपके पास वी टू जो निकल कर आ जाएगा वो -34/, देखो -35, माइनस से माइनस कट गया, 34/35 मीटर, आपके पास ये वी टू निकल कर आ गया। अब आपके पास इमेज की दो पोजीशन आ गई, पहला पोजीशन पहली वाली इस कंडीशन से, दूसरी पोजीशन आपके पास आ चुकी है। तो आप ये देखो कि इमेज की पोजीशन में कितना चेंज आया एक सेकंड में, तो आप कहोगे चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकंड, एक सेकंड में इमेज की पोजीशन में चेंज कितना आया, पहले कितनी थी 39/40, देखो पहली पोजीशन थी 39/40, तो 39/40 थी, अब बाद में कितनी हो गई, बाद में ये हो गई 34/35, बस। तो ये चेंज इन पोजीशन निकल कर आ गया, और आपको पता है एक सेकंड में जो चेंज इन पोजीशन होता है वही स्पीड होती है, तो यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ किसकी, इमेज की, इक्वल लगा देंगे। अब देखो आपको पता है जब दो नंबर होते हैं और आपको उन दोनों नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि एलसीएम कितना आने वाला, तो इन दोनों नंबर, या फिर आप ये कहें कि जब ये दो नंबर एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इन दोनों का एलसीएम होता है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता है, तब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इन दोनों का एलसीएम होगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का एलसीएम है, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे है, तो 39 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 35 के साथ, माइनस कर दो 34 की मल्टीप्लाई 40 के साथ, बस ये निकालो, कैलकुलेट कर लो जल्दी से। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया आपके सामने, कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये मत समझना कि मेरी कैलकुलेशन वीक है। देखो पहले 39 की 35 से कर देते हैं, 39 की 35 से, 5 × 45 का 5 कैरी 4, और 5 × 15 = 15, और 4 कितना हो गया 19, 9 × 27 का 2, 27 × 7 कैरी 2, और 3 × 9, 9 × 2 कितना हो गया 11, आपके पास ये कितना बचा 9 × 5 = 45, 5 ये बचा और 7 ये है, तो ये हो जाएंगे 16 × 6, हासिल लगा 1 और 1 = 2, ये हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 1365। तो ये ऊपर वैल्यू आ गई 1365,
उसमें से माइनस करके दिखाना। अब 34 की 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 34 की 40 से करो जल्दी से फटाफट। जब 34 की 40 से मल्टीप्लाई मतलब 4 से, तो 4 3 चौक 12 120 तो ये हो गया, और 4 चौक 16 ये हो गया, 6 ये 136, तो मतलब 1360। तो 1360 नीचे कितना हो जाएगा, 40 की 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 चौक कितने होते हैं, 35 दूनी 70 ये हो गया 140, तो 1400 नीचे आ गया, 1400 ही नीचे आ गया। कैलकुलेशन थी, कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है भाई। तो इसको अब आगे ले लेते हैं, 1365 में से 1360 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1365 में से 1360 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5, और नीचे कितना 1400, 5 से काटो, 5 ही कम 5, और 5 दूनी 10, 2 बचे नहीं 4 बचे, तो यहाँ आ गए 40, तो 5 से काटो 5 हटे 40 और 0 ऐसे रहेगा, तो ये आ चुकी है 1 अपॉन 280 मीटर पर सेकेंड। जो इमेज की एवरेज स्पीड आई है गाइस, वो उसकी वैल्यू है 1 अपॉन 280, ये आई है एवरेज स्पीड। तो आप कहोगे एवरेज स्पीड ऑफ इमेज इज 1 अपॉन 280 मीटर पर सेकेंड। तो जिस तरह से मैंने पहला केस ले करके एवरेज स्पीड बता दी, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको भी लोगे सिमिलर बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इसकी मदद से आप एवरेज स्पीड निकालोगे इमेज की, इसकी मदद से आप एवरेज स्पीड निकालोगे इमेज की, सिमिलरली इसकी मदद से आप एवरेज स्पीड निकालोगे। मैंने एक केस ले कर सॉल्व कर दिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी, आपको खुद